वीडियो लेके आई हूँ, इसमें मैं आप लोगों को चिकन ग्रिल करके दिखाऊंगी कि चिकन ग्रिल कैसे होता है। तो पहले हम अपने माइक्रोवेव को प्री हीट कर लेंगे। आप जितने भी डिग्री पे रखना चाहें उस पे रख के आपको प्री हीट करना है। मैंने 180 पे रखा है और मैं इसको स्टार्ट करके छोड़ दूंगी, और जब ये प्री हीट हो जाएगा ये अपने आप ही ऑफ़ हो जाएगा। मैंने चिकन को पहले से मैरिनेट करके रखा था रात में। ये देखिए, ये पूरा रात भर रखा रहा है चिकन, इसको मैंने ऑलरेडी मैरिनेट कर लिया था। अब ये हो चुका है और इसके लेग्स को मैं एक थ्रेड से अच्छे से बांध दूंगी। और माइक्रोवेव प्रीहीट हो गया है हमारा। अब हम इसके अंदर अपना चिकन रख देंगे। चिकन को इसमें रख के फिर हम अपने माइक्रोवेव को ग्रिलिंग प्लस कन्वेक्शन पे लगाएंगे, क्योंकि हम अपने पहले फर्स्ट हम अपने चिकन को बेक प्लस ग्रिल करेंगे। तो उसके लिए हमें C2 करके उसको 10 मिनट के टाइमर सेट करके हमें रखना है। जब ये 10 मिनट हो जाएंगे तब हम इसको फिर से टर्न कर देंगे। ये देखिए, अब ये 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं अपने चिकन को निकाल के देखूंगी और देखने के बाद अपने चिकन को इसको टर्न करके रखूंगी। हम इसको दूसरे साइड पे टर्न करके रख देंगे ताकि वो दूसरे साइड से भी अच्छे से बेक और ग्रिल हो जाए। इसको फिर से हम अंदर रख देते हैं और फिर से सेम सेटिंग से इसको 10 मिनट के लिए हम रखेंगे। ठीक है, अब हम 10 मिनट बाद चेक करते हैं। देखिए, 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको फिर से निकाल के देखती हूँ। ये देखिए, दूसरे साइड से भी बहुत अच्छे से हो गया है। अब मैं इसको सेम ऐसे ही वापस रख दूंगी इसके अंदर, और इस बार हम अपनी सेटिंग में सिर्फ ग्रिल करेंगे, क्योंकि हमारा चिकन अंदर से पक गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब हमें इसको सिर्फ ग्रिल करना है, तो हम सिर्फ G1 लगा के और इसको ग्रिलिंग के लिए 10 मिनट पर रख देंगे। आप जब भी अपना चिकन रखें 10 मिनट के लिए, तो आप प्लीज़ उसको बीच में एक बार चेक कर लें स्टॉप करके, कि आपका चिकन सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जल रहा हो। तो इसलिए आप प्लीज़ बीच में एक बार चेक ज़रूर करें। अब मैं अपने चिकन को इसको फिर से टर्न कर दूंगी दूसरे साइड पे। इसको अगेन से हम इस बार मैं 6 मिनट के लिए रखती हूँ। ये देखिए, मैं इसको 6 मिनट के लिए रख देते हैं और स्टार्ट करते हैं। सिक्स मिनट हो गए हैं, अब हम इसको निकाल के देखते हैं।
ये देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रिल हो गया है। अगर आपको इसको और भी ग्रिल करना हो तो आप इसको थोड़ा और टाइम लगा के रख दें, मेरे लिए इतना ठीक है, इसलिए मैं इतना ही रखूँगी क्योंकि मैं इसको आगे अभी फ्राई भी करूँगी ताकि जो भी मसाला जो कच्चा रह गया है, जो इसके अंदर का कच्चापन रह गया है, वो मैं एक बार फ्राई करके डीप फ्राई करके निकाल के कर लूँ। अगर आपको ऐसे ही खाना है तो आप इसको थोड़ा और टाइमर पे लगा के और थोड़ा 10 मिनट पे लगा के आप इसको निकाल लें।